और चलिए इस बीच एक बड़ी जानकारी से आपको रूबरू करा दें, ये ब्रेकिंग न्यूज सामने आ रही है। दरअसल रोहतक से जिस तरह से बीजेपी सांसद अरविंद शर्मा का ये बड़ा और अहम बयान सामने आया है, अपनी ही पार्टी के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए नजर आए हैं बीजेपी सांसद अरविंद शर्मा। रोहतक से भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं अरविंद शर्मा, और इस दौरान उन्होंने खुलकर बगावती तेवर दिखाए। साफ तौर पर पेहरावर की जमीन को लेकर जिस तरह से विवाद बना हुआ है उसके मुद्दे पर उन्होंने सरकार पर निशाना साधा है। सरकार तमाशा देखना चाहती थी, मंच से सीधे तौर पर उन्होंने मनीष ग्रोवर का भी नाम लिया। बेहद ही अहम जानकारी से आपको एक बार फिर से रूबरू करा दें, बीजेपी सांसद को मैंने स्टेज से कहा, स्टेज से पहले भी बात की, सारे अफसर बुला लिए, लेकिन जमीन की हां तो भरे कि हां देंगे, नाचते नहीं और देखते भी नहीं, नाचते नहीं और देखते भी नहीं। और भाई मैं अभी आपको याद होगा, बुधवार को गुड़गांव में रेस्ट हाउस में मुख्यमंत्री जी से मिला, ये निकम्मा, मैंने जिंदगी में एक आम आदमी, मैं किसको कह रहा हूं, मैंने जिंदगी में एक आदमी एक बात कह सकता है कि जिंदगी में कई भूल होती हैं, एक इंसान चलते चलते भी भूल कर देता है। ये ग्रोवर वहां पर पहुंचा हुआ था और मैं आज मैं सुन जाओ मेरी बात आ जाओ, जिंदगी में चलते चलते भी आदमी भूल कर देता है। इंसान कभी, मेरे दादाजी कहते थे, इंसान कभी कंप्लीट नहीं होता, बुढ़ापे में भी गलती कर देता है, जवानी में गलती कर देता है। मेरी सबसे बड़ी भूल जिंदगी की, जो कि मैं शायद सुधार भी ना पाऊं, मैं इस मूर्ख के लिए मैंने स्टेटमेंट दी थी, इस ग्रोवर के लिए मैंने स्टेटमेंट दी थी। चार तारीख को मैंने स्टेज से कहा, स्टेज से पहले भी बात की, सारे अफसर बुला लिए, लेकिन जमीन की हां तो भरे कि हां देंगे, नाचते नहीं और देखते भी नहीं, नाचते नहीं और देखते भी नहीं। और भाई मनीष ग्रोवर की तरफ अगर कोई आंख उठेगी, उसकी आंख निकालने के लिए आंख उठाए तो उसके हाथ को काट लेंगे, इसको को छोड़ेंगे नहीं। ये छटपटारे हैं, ये किस बात के लिए छटपटारे हैं, राज के लिए। और एक बात आज लिख ले, ये लिख ले एक बात को कि 25 साल कांग्रेस चक्कर काटती है लेकिन भारतीय जनता पार्टी राज को नहीं छोड़ने वाली, 25 साल मैं लेता हूं। चार तारीख को मैंने स्टेज से कहा, स्टेज से पहले भी बात की, सारे अफसर बुला लिए, लेकिन जमीन की हां तो भरे कि हां देंगे, नाचते नहीं और देखते भी नहीं, नाचते नहीं और देखते भी नहीं। और भाई मैं अभी आपको याद होगा, बुधवार को गुड़गांव में रेस्ट हाउस में मुख्यमंत्री जी से मिला, ये निकम्मा, मैंने जिंदगी में एक आम आदमी, मैं किसको कह रहा हूं, मैंने जिंदगी में एक आदमी एक बात कह सकता है कि जिंदगी में कई भूल होती हैं, एक इंसान चलते चलते भी भूल कर देता है। ये ग्रोवर वहां पर पहुंचा हुआ था और मैं आज मैं सुन जाओ मेरी बात आ जाओ, जिंदगी में चलते चलते भी आदमी भूल कर देता है। इंसान कभी, मेरे दादाजी कहते थे, इंसान कभी कंप्लीट नहीं होता, बुढ़ापे में भी गलती कर देता है, जवानी में गलती कर देता है। मेरी सबसे बड़ी भूल जिंदगी की, जो कि मैं शायद सुधार भी ना पाऊं, मैं इस मूर्ख के लिए मैंने स्टेटमेंट दी थी, इस ग्रोवर के लिए मैंने स्टेटमेंट दी थी। और बातचीत के लिए हमारे साथ रोहतक से हमारे सहयोगी संजय जुड़ गए हैं। संजय, जिस तरह से आज ये रोहतक में कार्यक्रम किया गया, इसके कई मायने हैं, ना सिर्फ सत्ता पक्ष के दल इसमें शामिल हुए बल्कि विपक्ष के नेता भी इस दौरान मौजूद रहे। जो कुछ बातें इस मंच के माध्यम से की गई, साफ तौर पर सरकार के लिए
आसान नहीं होगा उन्हें टैकल करना, क्योंकि अरविंद शर्मा ने एक तरफ जहां मनीष ग्रोवर पर निशाना साधा तो साथ ही साथ इस जमीन को लेकर सरकार पर भी उन्होंने गंभीर सवाल खड़े किए हैं। मैं चाहूंगा कि आप एक बार बताएं विस्तार से क्या कुछ आज के इस कार्यक्रम में रहा और उसके बाद आगे बात करें। देखिए रितेश, आज जो है परशुराम जयंती प्रहार गांव में मनाई गई थी, जिसको लेकर जो है तमाम पार्टियों के नेताओं को जो ब्राह्मण समाज से ताल्लुक रखते हैं उनको बुलाया गया था। उसके बावजूद जो है कुछ लोग वहां पर पहुंचे, कांग्रेस पार्टी से कुलदीप वत्स वहां पर पहुंचे जो विधायक हैं झज्जर जिले से, और उसके बावजूद जो है अगर बात करें हम नानोंद से विधायक है दादा गौतम वो भी वहां पर पहुंचे, और अगर हम बात करें नवीन जयंत की वो भी यहां पर, और रोहतक से सांसद जो है डॉक्टर अरविंद शर्मा भी इस सभा में पहुंचे, और उन्हें लगातार जो है प्रयासरत थे कि जो गौड़ ब्राह्मण संस्था को जो प्रहार गांव ने जो जमीन दी है उसको लेकर, क्योंकि ये 2009 का मामला है जब गौड़ ब्राह्मण संस्था को जो है गांव के लोगों ने जो है जमीन दी थी और उसको लेकर कहीं ना कहीं विवाद चल रहा था, और नगर निगम में गांव आने के बाद जो है वो जमीन जो है नगर निगम के अंदर आ गई, और उसके बाद उसके अंदर जो फाइन जो लगा हुआ था नगर निगम का वो उन्होंने नहीं भर पाई संस्था, तो उसके बाद जो है ये मामला तुल पकड़ गया और लगातार जो है नवीन जैन इस जमीन की मांग करते रहे, और उन्होंने आज जो है एक रैली का आयोजन रखा गया था भगवान परशुराम जयंती के उपलक्ष्य पर, और सभी नेताओं को बुलाया गया था। वहीं पर अरविंद जो है डॉक्टर अरविंद भी पहुंचे, और उन्होंने साफ तौर पर यह कहा कि मैंने पहले भी इस जमीन को लेकर प्रयासरत रहा हूं, और मुख्यमंत्री से मैंने खुद जो है पहले ही डिमांड रखी थी कि इस जमीन को जो है अब संस्था को दे दिया जाए, क्योंकि नगर निगम के कुछ अधिकारी हैं इस जमीन को अटकाए हुए हैं। ऐसे में कहीं ना कहीं ये मामला जो है लंबा बढ़ता जा रहा है और समाज के लोग जो है नाराज होते दिखाई दे रहे हैं। कहीं ना कहीं इससे लेकर संबंधित जो है गुरुग्राम में इससे पहले मुख्यमंत्री से पूर्व सहकारिता राज्य मंत्री मनीष कुमार ग्रोवर और डॉक्टर अरविंद शर्मा जो रोहतक से सांसद है वो भी मिले थे, और उन्होंने अपनी बातें रखी थी, तो आश्वासन जो है अरविंद शर्मा का यही कहना है कि उन्हें आश्वासन दिया गया था कि आप लोग समाज के लोगों के पास जाए और बताएं कि उनकी जमीन उनको दे दी जाएगी, लेकिन कहीं ना कहीं पैच कहाँ अटका है उसको लेकर सवाल जो है खड़े हो गए, और मुख्यमंत्री ने वो घोषणा नहीं की, और रोहतक में जब विकास प्रगति रैली थी तब भी जो है वो घोषणा करने वाले थे, लेकिन डॉक्टर अरविंद शर्मा ने मंच से जो है खुले मंच से इसका आह्वान भी किया था और एक मांग पत्र भी जो है मुख्यमंत्री को सौंपा था, तब भी जो है मुख्यमंत्री ने साफ तौर पर जो है उसको इग्नोर कर दिया था। कहीं ना कहीं ये कहा था कि इसमें कहीं ना कहीं कोई सरकारी पेच है और वो पेच जो है नगर निगम ही सुलझा सकती है, उनके अधिकारियों से बात की जाएगी, लेकिन वो बात टल गई थी। लेकिन उससे पहले जो है मंच पर जब अरविंद शर्मा भाषण देने के लिए पहुंचे तो तब उन्होंने सरकार पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए थे कि करोड़ों रुपए का जो है इस सरकार में प्रदेश में जो है भ्रष्टाचार हुआ है, उसी को लेकर कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री भी खपाते थे और पार्टी के नेता भी जो अरविंद डॉक्टर अरविंद शर्मा से जो है खपा दिखाई दे रहे थे। ऐसे में कहीं ना कहीं अरविंद शर्मा ने दोबारा से जब मुख्यमंत्री से कहीं ना कहीं उसकी बात की गई और उसकी डिमांड रखी गई तो कहीं ना कहीं एक दिक्कतें सामने खड़ी हुई, और वही बात सामने आई कि आपने सरकार पर किस वजह से जो है आरोप लगाए, कारण क्या, आप सबूत दीजिए, लेकिन डॉक्टर अरविंद शर्मा सबूत नहीं दे पाए, उसी को लेकर जब आज वो जनसभा में पहुंचे तो उन्होंने लोगों से वादा किया था, और लोगों ने उनसे पूछा कि आपने मुख्यमंत्री को बात रखी थी, आपने वादा किया था हमें कि ये जमीन जो है संस्था को दी जाएगी, लोगों को समर्पित की जाएगी, क्या बात रही, तो वो सफाई देते नजर आए। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि कुछ लोग ऐसे मूर्ख हैं जिनकी वजह से इस जमीन को उनको नहीं देने दिया गया, कहीं ना कहीं कुछ लोगों के बखायों में मुख्यमंत्री रहते हैं, मुख्यमंत्री की नियत साफ थी, उनसे बात की गई थी, लेकिन कुछ लोगों की वजह से वो जमीन जो है उनको नहीं मिल पाई, संस्था को नहीं मिल पाई, तो वो साफ तौर पर जो है मनीष ग्रोवर जो पूर्व सहकारिता राज्य मंत्री है उन पर बरसते नजर आए। हालांकि इससे पहले की अगर बात, लेकिन संजय जिस तरह से मनीष ग्रोवर का जिक्र आपने ही कर दिया, वो वक्त जब पिछले साल नवंबर के महीने में अरविंद शर्मा उनके बिहाफ पर ये कह रहे थे कि अगर किसी ने उनकी तरफ हाथ उठाया तो हाथ काट देंगे, आंख दिखाई तो आंख निकाल देंगे, आखिर 4 से 5 महीने में ऐसा क्या बदल गया कि रोहतक से जो सांसद हैं भारतीय जनता पार्टी के उनको अपने ही दोस्त कहीं ना कहीं जिस तरह से उन्होंने बयान दिया था और पूर्व मंत्री मनीष ग्रोवर के लिए इस तरह से इस शब्द का इस्तेमाल करना पड़ा और मूर्ख करार दे दिया। देखिए रितेश, अगर अरविंद शर्मा के बैकग्राउंड की हम बात करें तो ये 3 से 4 बार जो है सांसद रह चुके हैं। पहले करनाल में जो है ये सांसद रहे और बसपा पार्टी में जो है उस इन्होंने जो है सांसद का चुनाव जीता था, उसके बाद ये सोनीपत से जो है इन्होंने चुनाव जीता, और उसके बाद रोहतक में भी ये चुनाव जीत चुके हैं, निर्दलीय विधायक जो है सोनीपत में रह चुके हैं और अब बीजेपी में आकर जो है चुनाव लड़ चुके हैं, तो कहीं ना कहीं ये जो है इनका जो यहाँ पर
बीजेपी में जब शामिल हुए तो ये कहा जा रहा था कि इनकी बातें रखी जाएंगी, बातें मानी जाएंगी, लेकिन अब जो है ये आरोप लगाते नजर आ रहे हैं कि उनकी कोई सुनवाई नहीं होती। जब कोई कार्यकर्ता का कोई काम लेकर वो पहुंचते हैं और कोई फोन अधिकारी को करते हैं तो उनकी कोई नहीं सुनता, सुनाई नहीं होती। इसी अवज में कहीं ना कहीं उन्होंने आज ये आरोप जो है वो लगाया, नाराज वो दिखाई दे रहे हैं। लेकिन साफ तौर पर आपने जैसे जिक्र किया कि नवंबर के महीने में कांग्रेस पार्टी के खिलाफ जो भाजपा की प्रोटेस्ट कर रही थी, उस समय मुख्यमंत्री भी कहीं ना कहीं ये बात सुन रहे थे, और जो अरविंद शर्मा ने और पूर्व सहकारिता मंत्री भी एक मंच पर जो है लगातार भाषण दे रहे थे और कहीं ना कहीं कांग्रेस के खिलाफ जो है वो समर्थन प्रोटेस्ट करते नजर आ रहे थे। उसके दौरान जो है अरविंद शर्मा ने ये कहा था, रोहतक के छोटराम चौक की बात है, और उसी दौरान जो है अरविंद शर्मा ने कहा था कि पूर्व सहकारिता मंत्री की वजह से आज ये जो लोकसभा की सीट जो हम जीते हैं, क्योंकि रोहतक लोकसभा की सीट अगर बात करें तो राजनीति हरियाणा की प्रदेश की राजनीति का गढ़ जो है रोहतक माना जाता है, और कांग्रेस से जो सांसद हैं दीपेंद्र सिंह हुड्डा थे सांसद, अब राज्यसभा सांसद हैं, उनको हराना कहीं ना कहीं बहुत बड़ी बात थी, क्योंकि वो पूर्व मुख्यमंत्री के बेटे हैं और उनको हराकर ये सीट जिताना, ये पूरा श्रेय जो है पूर्व सहकारिता राज्य मंत्री मनीष गुरव को जाता है। इसी को लेकर जो है उन्होंने साफ तौर पर ये कहा था और उन्होंने कांग्रेस पार्टी को निकर्मा करार दिया था और ये बयान दिया था कि अगर मनीष गुरव की तरफ कोई आंख उठाकर देखता है तो उसके आंख निकाली जाएंगे और हाथ उठाकर देखता है तो उसकी बाजू जो है वो निकाली जाएगी। कहीं ना कहीं रहे थे 4 से 5 महीने में इतना बदलाव आ गया कि आखिरकार ये टिप्पणी उन्हें करनी पड़ी। बहुत बहुत शुक्रिया संजय आपका इस तमाम बातचीत के लिए और जानकारी के लिए।